हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं ऐसे इंसान के बारे में, ऐसा भगवान जो धरती पर जन्म लिया, दलितों के लिए भगवान कहे जाने भीमराव अंबेडकर के बारे में आज हम बात करते हैं। 14 अप्रैल सन 1891 में जन्मे एक छोटे से गांव मध्य प्रदेश के महू में, इस गांव में इन्होंने जन्म लिया और छुआछूत की बीमारी को खत्म किया। एक ऐसे पॉलिटिक्स लीडर और 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान करने वाले ऐसे महान बारे में आज हम एक कथा को लेकर आए हैं, जिन्होंने हमें चलना और पढ़ना लिखना का अधिकार दिया। अगर ये ना होते तो आज हम पढ़ ना पाते। क्या हुआ कि इन्होंने संविधान को बनाया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इन्होंने संविधान को तैयार किया। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, इन्होंने हमें आजादी दिलाई। आइए बात करते हैं ऐसे इंसान के, भगवान के बारे में, जिन्होंने संविधान को लिखा। हम संविधान के रचयिता की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किसने दोनों हाथों से लिखा संविधान हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम संविधान के रचयिता की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किसने दोनों हाथों से लिखा संविधान हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान, ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। भारत वर्ष में एक प्रदेश है बच्चों मध्य प्रदेश, इंदौर जिले में बना हुआ है इनका छोटा विलेज। दूर दूर से पर्यटन या घूमने को आते हैं, 32 डिग्री 9 भाषाओं के ज्ञान लेके स्मारक देख कर जाते हैं। 14 अप्रैल 1891 में जन्म इन्होंने पाया है, ऐसी स्मारक है जिसे अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। किसने लिखा है संविधान हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम संविधान के रचयिता की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किसने लिखा है संविधान हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान, ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। 9 भाई बहन जो थे इनके अकाल मृत्यु मर जाते हैं, बड़े ही दुख पड़ते हैं इन पर हम तुम्हें बताते हैं। कहाँ पर इनका पैतृक गांव हम तुम्हें बताएंगे, आगे रहिए कथा में जो हम तुम्हें बताएंगे। जो पढ़ा लिखा है सुना हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। संविधान की रचयिता की हम कथा सुनाते हैं, ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान, ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। महर जाति में जन्म लिया है रत्नागिरि महाराष्ट्र, बचपन में ही जब माता का हो गया था स्वर्गवास, स्वर्गवास के बाद तो ये पुणे के पास सतारा को आए पढ़ने की इच्छा को, ये यहाँ पिता को है बतलाए।
छुआछूत के कारण कहीं प्रवेश न मिलता है। जैसे तैसे एक विद्यालय में प्रवेश तो मिल जाता है। पढ़ने लगते हैं हम तुमको कथा आते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम संविधान के रचयिता की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। जाने लगे विद्यालय पर तो लेकिन सर ने कक्षा से बाहर बिठाया है। होने लगी पढ़ाई ये तो बाहर से ही ज्ञान को पाया है। एक प्रश्न सर बोर्ड पर जैसे ही लिख जाते हैं, बोले इसको पूरा करो हम तुमको अंधे करते हैं। करने लगे प्रश्न बोर्ड पर पूरा फिर तो किया, बच्चे ने कक्षा को हाथों पूरा छोड़ दिया। छुआछूत के कारण बच्चे तो चले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। इंटर किया है इंग्लिश से तब से हुए हैं ये परेशान, कैसे करूं पढ़ाई याद आए साया जी महाराज। पहुंच गए राजा के पास, राजा ने मदद करी है अपार। जाओ बेटा कोलंबिया शिक्षा कर लो पूरी पार। चार विषय की एमए और पीएचडी को पूरा फिर कर डालते हैं। उसके बाद तो ये हाँ लंदन को चले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। लंदन जाकर एमएससी ला डॉक्टर डिग्री को है प्राप्त किया। यहीं पर रहकर दो किताबों का हस्त तो लिखन पूरा किया। इनकी किताबें तो आरबीआई की स्थापना में काम आई। याद आए जब साया जी महाराज माँ अज तो ये वापस चले आए। राजा के यहाँ तो ये मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी कर जाते हैं। सबसे बड़ी है नौकरी उस टाइम की हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तुमको कथा आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लिखा है संविधान दोनों हाथों से हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दलितों के लिए भगवान करते हैं सभी जातियों का सम्मान। हमारी इस कथा में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो कृपया उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमने जो किताबों से प्राप्त किया और जिस चीज़ की मदद लेकर हमने इस कथा को बनाया है, हमने जहाँ तक जिसको पढ़ा सुना और उसके बारे में लिखा है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा है। जय हिंद।